morning students, myself Mohit Patel from Ganga Gurukul, Jai Swaminarayan. Today we will continue chapter 8, Motion of class 9 English Medium Science. Today we will learn about equations of motion by graphical method. ठीक है, हमें टोटल यहाँ पे तीन इक्वेशन डिराइव करने हैं. ये मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, वो मैं आपको अभी समझाता हूँ. ठीक है, तो हमें यहाँ पे तीन इक्वेशन यहाँ पे डिराइव करने हैं. ठीक है, मैं आपको तीन इक्वेशन यहाँ पे फॉर्मर में लिखता हूँ जो हमें बारी बारी से लाने हैं. इक्वेशन ये लाना है, दूसरा है एस प्लस
एरिया ऑफ ये ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम का शेप होता है,
जो t है ये t है, ये t है, ये u है, ये u है, ये rectangle है, opposite side same होती है, तो length है वो t है और breadth है वो u है, क्या? 1/2 और 1/2, इसमें base कौन सा, height कौन सा है, दोनों को भी ले सकते हैं, मेरा t उसका base है और height ये रहा जो मैंने पहले से लिख के रखा है, जो टोटल b है, क्या है, इधर से लेकर इधर तक b है और इधर से लेकर इधर तक u है, तो इतना कितना आएगा, b minus u, मतलब इधर से लेकर इधर तक b minus u है, टोटल कितना है, b है, इससे कितना u है, तो b में से u निकालेंगे, ठीक है, इतने में से इतना निकाल लेंगे इतना बचेगा, ये b minus u कहते हैं, आप यूनिट फॉर्म में b minus u, ठीक है, डन हो गया। अब मैं इसको जरा अरेंज कर देता हूं, ये u t कर देता हूं, यहां पे u t और यहां पे 1/2, ध्यान से देखना मैं यहां पे जादू कर रहा हूं, ठीक है, मैं यहां पे t लिख रहा हूं, बाकी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, b minus u और नीचे एक्स्ट्रा t लिख रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा t, तो नीचे एक्स्ट्रा t लिखूँ तो ऊपर इतनी ज्यादा लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे t का स्क्वायर कर देंगे, ऐसा क्यों किया मैं बताता हूँ, ठीक है, क्या जादू किया हमने, वापिस से बताता हूँ कि मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा t डाला नीचे, क्यों पता है, क्योंकि ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला k बराबर b minus u / t, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा t डाला, ठीक है, इसलिए मैंने ऐसा किया है, ठीक है, तो यू टी प्लस 1/2 और ये टी स्क्वायर है और ये बी माइनस टी ए होता है, तो 1/2 हाफ टी स्क्वायर हमारा दूसरा इक्वेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, कुछ नहीं क्लियर लिया है, ठीक है, यहाँ खाली चालू हुआ है, यहाँ से टी डाला है, यहाँ पे टी स्क्वायर, ठीक है, ये ए है, ए और टी स्क्वायर का यहाँ पे हमारा इक्वेशन सेकंड कंप्लीट होगा है, ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे अब ये इक्वेशन की तरफ, आगे हमें तीसरा इक्वेशन ढूंढना है, वो है पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, क्योंकि इसमें वेलोसिटीज है, ठीक है, आपको ये एस हमारा पोजीशन, ठीक है, अब ये इसकी एरिया करने का है, ठीक है, तो अगे एस इक्वल टू, यहाँ पे एस है, एस इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रैपेज़ियम ओ ए बी सी, ठीक है, तो ट्रैपेज़ियम का एरिया का फॉर्मूला है वैसे 1/2 आई यहाँ पे एडिशन एरिया का फॉर्मूला है, जो आप मैथमेटिक्स में पढ़ोगे तो भी मैंने आपको बता दिया है, 1/2 टाइम्स एडिशन ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल का सिंबल है, ठीक है, यहां पे डालता हूं 1/2, ये रहा ट्रैपेज़ियम, ट्रैपेज़ियम को आप टेढ़ा देखो ऐसे, ये है हाइट, ये टी है उसकी हाइट है, अब ऐसा देखो, इस तरीके का देखो आप, ऐसे ऐसे शेप का सीधा किया है, इसमें ये टी है, ये टी है, ये यू है, यू है, ये बी है, इसमें इसकी जरूरत नहीं है, टोटल बी है, समझ रहे हो, ठीक है, तो इसकी जरूरत नहीं, इसकी जरूरत नहीं, ठीक है, तो देखो ये पैरेलल साइड है, ये और ये, मतलब ये वाली एंड पूरी ये वाली, यू एंड बी वाली पैरेलल साइड है एंड हाइट है वो टी है, यानी हाइट का टी, यहां पे आएगा बी प्लस यू, हो गया, क्यों एडिशन ऑफ पैरेलल साइड, ये वाली ये वाली, ये यू है, ठीक है, और ये वाली सी है वो बी है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा बी प्लस यू, ठीक है, अब एक जादू एक और करना है, हमारा जो पहला इक्वेशन था क्या था, यहाँ पर
हो जाता है, मैं आपको बताता हूँ, ए बराबर बी माइनस यू अपन टी। अब मैं क्या करूंगा, टी को यहाँ ऊपर लाता हूँ और ए को नीचे भेज देता हूँ, टी ऊपर आ जाएगा, ए नीचे चला जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं, मैंने ए को नीचे भेज दिया, टी को ऊपर लाया हूँ मैं, क्यों बता है, मुझे टी की वैल्यू यहाँ डालनी है, मैं डालता हूँ वाले। तब तक ये चीज आप लिखिए, नोटबुक में नोट कर लीजिए।